जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारा 10th क्लास का लेक्चर नंबर 27 है और टॉपिक हमारा है जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स। बेटा जॉइंट को उर्दू में कहते हैं जोड़, उर्दू में इसको जोड़ कहा जाता है। सबसे पहले तो हम जॉइंट को डिफाइन करेंगे कि जॉइंट होता क्या है। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स हैं, टोटल जो बोन्स हैं वो 206 हैं और हर एक बोन कहीं ना कहीं किसी दूसरी बोन के साथ कनेक्ट है और वही बोन मसल के साथ भी कनेक्ट है। जैसे कि हमारी ये वाली बोन है और ये वाली बोन है, ये बोन और ये बोन यहाँ पे एल्बो के ऊपर कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें दो बोन्स हैं, यहाँ पे एक बोन है, तो ये दो और ये एक इतनी होगी, तीन होगी। तो वो पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में कनेक्शन बनाए, वो पॉइंट यहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में कनेक्शन बनाए उस पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं, उस पॉइंट को जोड़ कहा जाता है। तो इसको हम कहेंगे पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स मेक कॉन्टैक्ट, पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स मेक कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड जॉइंट। बेटा ये जॉइंट होते हैं, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो मेजर इसके दो काम है। एक तो जॉइंट का काम होता है मूवमेंट करवाना। अगर मैं इस अपनी एल्बो को अपने बाजू को मैं इस तरह से मूव करवा रहा हूँ तो ये जो एल्बो के ऊपर जो जॉइंट है, इस जॉइंट की वजह से मेरा बाजू मूव कर रहा है। अगर मैं अपने शोल्डर को ऊपर नीचे लेके जाता हूँ तो ये वाला जो शोल्डर वाला जॉइंट है, इसकी वजह से बाजू ऊपर भी जा रहा है, बाजू नीचे भी आ रहा है, ठीक है। तो जॉइंट एक तो मूवमेंट देते हैं, दूसरा ये जो जॉइंट है देते हैं सपोर्ट, ठीक है। दो काम करते हैं, एक तो सहारा देते हैं, दूसरा मूवमेंट करवाते हैं। अगर हम इनकी टाइप्स देखें तो मेजरली फंक्शन की बेस पे, फंक्शन की बेस पे जॉइंट्स की जो टाइप्स हैं वो मेजर तीन हैं। एक को हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट या फिक्स्ड जॉइंट, एक को हम कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, एक को कहा जाता है मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। तो हम एक एक करके वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहला जो टाइप हमारे पास है वो है इमूवेबल जॉइंट और फिक्स्ड जॉइंट। इमूवेबल और फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब है एक जगह पे मुंजमद होना कि वो कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो जो इमूवेबल जॉइंट होते हैं वो किसी किस्म की कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते, इसको हम कहते हैं ना जॉइंट दैट डू नॉट शो मूवमेंट, जो किसी किस्म की मूवमेंट शो ना करे वो कहलाते हैं फिक्स्ड जॉइंट और इमूवेबल। जैसे कि हमारी स्कल के जॉइंट है, ऐसा नहीं है कि हमारी स्कल का आधा पोर्शन इस तरफ चला जाए आधा पोर्शन इस तरफ चला जाए, हमारी स्कल एक जगह पे इंटैक्ट है, एक जगह पे मौजूद है, क्योंकि इसके जॉइंट मूव ही नहीं करते, इसके जॉइंट मूवमेंट शो ही नहीं करते, इसलिए इसको हम कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट और इमूवेबल जॉइंट। दूसरी टाइप हमारे पास है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली, स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा सा मूव करना। तो ऐसे जॉइंट जो थोड़ी सी मूवमेंट शो करें, स्लाइट मूवमेंट, ऐसे जॉइंट जो स्लाइट मूवमेंट शो करें उनको कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। जैसे कि वर्टिब्री, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके जो जॉइंट्स हैं ये स्लाइट मूवमेंट शो करते हैं। क्या कर सकते हैं इस वर्टिब्रल बैकबोन की वजह से या तो हम झुक सकते हैं या हम सीधे हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी बॉडी को घुमाना शुरू कर दें, बॉडी घूम ही नहीं सकती, या हम सिर्फ अपने इतने पोर्शन को घुमाना शुरू कर दें, हमारा वर्टिकल कॉलम घूमता ही नहीं है, ठीक है। या तो हम झुक सकते हैं नीचे की तरफ या फिर हम सीधे हो जाते हैं, इट्स अ स्लाइट मूवमेंट, ये थोड़ी सी मूवमेंट है, ठीक है। तीसरी टाइप हमारे पास है मूवेबल जॉइंट्स, मूवेबल या फ्रीली मूवेबल, मूवेबल या फ्रीली मूवेबल, ऐसे जॉइंट जो वैरायटी ऑफ मूवमेंट शो करें, वैरायटी मुख्तलिफ तरह की जो मूवमेंट शो करें उसको हम कहते हैं मूवेबल जॉइंट्स। मिसाल के तौर पे शोल्डर जॉइंट, ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट है मैं अपना बाजू ऊपर भी लेके जा सकता हूँ नीचे भी लेके जा सकता हूँ, इसको मैं घुमा भी सकता हूँ, ठीक है, वैरायटी ऑफ मूवमेंट। एल्बो जॉइंट, मैं अपने बाजू को बेंड भी कर सकता हूँ, इसको स्ट्रेट भी कर सकता हूँ, ये भी वैरायटी ऑफ मूवमेंट है। हिप जॉइंट, ये जो हमारा हिप का जॉइंट होता है ये भी हम डाउनवर्ड भी जा सकते हैं अपवर्ड भी आ सकते हैं और अपनी हम इस तरह से घूम भी सकते हैं। नी जॉइंट, आप अपनी लेग को बेंड भी कर सकते हैं स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ मूवमेंट है फ्री मूवेबल जॉइंट के अंदर। अब इसको मूवेबल जॉइंट को मूवमेंट की बेस पे, वैरायटी ऑफ मूवमेंट की बेस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं हिंज जॉइंट, एक को कहा जाता है बार एंड सॉकेट जॉइंट। जो हिंज जॉइंट होता है ये हिंज जॉइंट मूव करता है बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ लाइक हिंज ऑन अ डोर, बैक एंड फोर्थ लाइक हिंज ऑन अ डोर। जैसे दरवाजे के ऊपर हिंज लगा होता है वो जो हैंडल होता है उसको आप डाउन नीचे कर देते हो फिर ऊपर कर देते हो, दरवाजा खोलना होता है उसको नीचे कर देते हैं
फिर हम उसको ऊपर लेके आ जाते हैं, वो हिंज है, उसको हम हिंज कहते हैं। वो सिर्फ एक प्लेन में मूव कर रहा है, बैक फोर्थ जा रहा है फिर बैकवर्ड आ रहा है। इस तरह हमारा ये जो एल्बो जॉइंट है इसको हम बैकवर्ड लेके आते हैं, बाजू को बेंड करते हैं, फिर बाजू को स्ट्रेट भी कर लेते हैं। सिर्फ एक प्लेन है, ऐसा नहीं है कि ये बाजू घूमना शुरू करते हैं, ये सिंगल प्लेन है, ठीक है। तो जो हिंज जॉइंट होता है ये बैक एंड फोर्थ मूव करता है और सिर्फ सिंगल प्लेन में मूव करता है। एग्जाम्पल है नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट। नी जॉइंट के नी जॉइंट आप अपनी टांग को या तो बेंड कर सकते हैं या स्ट्रेट कर सकते हैं, टांग को घुमा नहीं सकते, ठीक है। दूसरी टाइप है बाल एंड सॉकेट जॉइंट। बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं ये सारी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं और ये बहुत सारी प्लेन्स के अंदर मूव करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मूव इन ऑल डायरेक्शंस। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको शोल्डर जॉइंट, जो शोल्डर जॉइंट है ये सारी डायरेक्शन मूव करता है, हम इसको ऊपर भी लेके जाते हैं नीचे भी लेके आते हैं, इसको हम घुमाते भी हैं, ठीक है। और हिप जॉइंट हम डाउनवर्ड झुक भी सकते हैं, हम सीधे भी हो सकते हैं और हम अपनी हिप को घुमा भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं फ्री बाल एंड सॉकेट जॉइंट, इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे बेटा हमारे जॉइंट्स की जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट हो जाती है। और हमारे पास एक छोटा सा आपकी बुक के ऊपर छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ है, एंड पे एक बॉक्स बना हुआ नेक के जॉइंट का पूछा होगा उन्होंने कि नेक का जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है। अगर वो बाल एंड सॉकेट होता तो फिर क्या होता, अगर जो नेक का जॉइंट है अगर वो बाल एंड सॉकेट होता फिर क्या होता। नेक का जो जॉइंट है वो बाल एंड सॉकेट नहीं है, अगर नेक का जॉइंट बाल एंड सॉकेट होता तो हमारी गर्दन पर घूमती इस तरह से। अगर जो नेक का जॉइंट है वो बाल एंड सॉकेट होता तो जिस तरह से हम अपने शोल्डर को घुमाते हैं इसी तरह से हमारा जो नेक है वो भी इस तरह से घूमती, लेकिन हमारे नेक घूमती नहीं। तो इसका हम नेक को क्या कर सकते हैं, या तो डाउनवर्ड लेके जाते हैं या ऊपर लेके जाते हैं, ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं, ठीक है। या मतलब बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रही है, उसका मतलब है नेक का जॉइंट कौन सा जॉइंट होगा, नेक का जॉइंट जो वो हिंज जॉइंट है, ठीक है। या तो वो डाउनवर्ड आती है या अपवर्ड जाती है या राइट लेफ्ट जाती है या राइट जाती है, ठीक है, वो घूमती नहीं है, ठीक हो गया। अब छोटा सा टॉपिक है रोल ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। दोनों ही कनेक्टेड टिश्यू है, जैसे बोन और कार्टिलेज कनेक्टेड टिश्यू है इसी तरह से टेंडन और लिगामेंट भी कनेक्टेड टिश्यूज है, लेकिन इनका कनेक्शन की जो मैकेनिज्म वो डिफरेंट है, ये कुछ और चीजों को कनेक्ट करवाते हैं। टेंडन जो होता है इसको हम कहते हैं इट्स अ टफ बैंड ऑफ कनेक्टेड टिश्यू। टेंडन इज अ टफ बैंड ऑफ कनेक्टेड टिश्यू। अब टफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब मुश्किल नहीं है, टफ को वैसे तो मुश्किल कहते हैं, यहाँ पे इसका मतलब मुश्किल नहीं है। टफ बैंड का मतलब है कि वो चीज जो कि प्रेशर को बियर कर सके, अगर उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाए तो वो ना टूटे, ठीक है, उसको हम कहते हैं टफ, ठीक। तो टेंडन जो होता है ये टफ बैंड होता है और ये करता क्या है, कनेक्ट मसल विद बोन। हमारे जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं वो सारे के सारे स्केलेटल मसल्स हमारी बोन्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो बोन्स के साथ जिस कनेक्टिव टिश्यू ने मसल का कनेक्शन बनाया वो टेंडन है, ठीक है, टेंडन कनेक्ट मसल विद बोन। और तीसरा जो पॉइंट इसका हुआ है इट अलाउ मूवमेंट, कैसे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बुक के अंदर एक्सप्लेन किया हूँ, मैंने लिखा नहीं मैं बोल के एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। जब क्योंकि ये मसल को कनेक्ट कर रहा है बोन के साथ, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मसल टेंडन के ऊपर प्रेशर लगाता है, ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मसल जो है वो टेंडन के ऊपर प्रेशर लगाता है। जब टेंडन के ऊपर प्रेशर लगेगा तो टेंडन जिसके साथ कनेक्ट है उसने उसके ऊपर प्रेशर लगा देना। टेंडन एक साइड से मसल के साथ कनेक्ट होता है, दूसरी साइड से वो कनेक्ट होता है बोन के साथ, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ टेंडन के ऊपर प्रेशर आया, टेंडन ने बोन को अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ये मेरा बाजू है, ये जो मसल्स हैं ये नीचे बोन के साथ कनेक्टेड है कनेक्टिव टिश्यू टेंडन की वजह से। ये मसल जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसने टेंडन को अपनी तरफ खींचना है, जब ये टेंडन को अपनी तरफ खींचेगा तो टेंडन जिसके साथ कनेक्टेड उसने उस बोन को अपनी तरफ खींच लेना है और बोन एज अ रिजल्ट मूव करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारी बुक में लिखा हुआ है व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट इट एग्जर्ट प्रेशर ऑन टेंडन एंड बोन एज अ रिजल्ट बोन मूव कर लेती है। लिगामेंट अगर हम देखें तो लिगामेंट स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बैंड है और ये एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है,
ठीक है, लिगामेंट स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होता है, एक बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट करता है। अब ये बोन का बोन के साथ कनेक्शन बना रहा है तो इसका फंक्शन क्या है, इसने क्या करना है, इसने बोन को बोन से अलहदा होने से रोकना है। कि जैसे ये वाली बोन और ये वाली बोन आपस में यहाँ पे कनेक्टेड है, हम बाजू को बेंड करते हैं, ऐसा नहीं होता कि ये वाली हड्डी इधर निकल जाए, ऐसा नहीं होता कि ये वाली जो बोन है ये इधर निकल जाए, ये वाली बोन इसको हम सीधा करें तो ये वाली बोन यहाँ से इधर आ जाए, नहीं, ये बोन को डिसलोकेट, बोन की लोकेशन को अपनी जगह पे मौजूद रखता है, डिसलोकेट होने से बचाता है। ठीक है, याद रख बेटा, अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आप कर सकते हो, बाकी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।